आप देख रहे हैं vdq.com और मैं डॉक्टर निमेश। और आज मैं आपके पास लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन केस जो इंडिया में बहुत कॉमन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज जिंजिवाइटिस के बारे में जो इंडिया में बहुत ही कॉमन है। जिंजिवाइटिस यानी आपके जो मसूड़े होते हैं उसके इन्फेक्शन, उसमें सूजन जो होते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे का लाल बटन दबा के इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको मिलने वाला है डिजीज और लाइफ स्टाइल के बहुत सारी बातें। तो दोस्तों, देर किस बात की, लाल बटन को दबाइए और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं जिंजिवाइटिस के बारे में। जिंजिवाइटिस जो कि बहुत ही आम चीज़ है इंडिया में, जहाँ पे लोग ज़्यादा पान लेते हैं, तांबुल लेते हैं, या फिर आप कर लीजिए सादा वो लेते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं। तो जो ओरल हाइजीन है वो इंडिया में इतना खास नहीं है। इवन ऐसा भी देखा गया है कि गांव के साइड में लोग अभी तक जो एशेस होते हैं उसको यूज़ करते हैं ब्रशिंग करने के लिए। टूथब्रश को छोड़ ही दीजिए, उंगली से ही करते हैं, और कुछ ऐश को भी वो यूज़ करते हैं दांत को सफाई करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि जो गम्स हैं वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं, उसमें इरोशंस होते हैं और आसानी से उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। और भी कुछ बातें हैं, इसको आप छोड़ देते हैं, आप पान या फिर गुटखा इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पेट में यानी आपके आंत में अगर वॉर्म इन्फेस्टेशन है तो जनरली क्या होता है, बॉडी का जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो अच्छे से सिंथेसाइज नहीं हो पाता है, जिसके कारण बॉडी में अक्सर देखा गया है कि जो इसका जो रिफ्लेक्ट होता है वो इसके जो जो मुंह होता है उसी में रिफ्लेक्ट होते हैं, जिसके कारण कभी कभी बहुत लोगों में जिंजिवाइटिस का भी एक लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी अगर ऑरल कंडीशन अच्छा ना हो, आपका डेंटल टर्टर हो जाए, या फिर कोई भी ऐसा कुछ इन्फेक्शन हो गया कोई केमिकल से, इससे भी आपको ऐसा केसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इस चीज़ को कैसे है। पेशेंट बैठा हुआ है, मैं देख लेता हूँ उसके मुंह में थोड़ा झाँक के क्या क्या है, और आप भी देख लीजिए, उसके बाद हम फिर से बात करेंगे इस चीज़ को लेके। तो आप देख सकते हैं कि उनके जो मसूड़े हैं वो थोड़ा सा लाल हैं, और हर एक दांत के नीचे आप देखिए जो दांत का जो नॉर्मल पैटर्न है उससे थोड़ा नीचे चला गया है ये जो गम्स है, और दांत थोड़ा सा एक्सपोज हो गया है, और हर एक दांत के नीचे आप देख सकते हैं वहाँ पे एक पस जमा हुआ है। तो यही है जिंजिवाइटिस का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ऐसा ही होता है जिंजिवाइटिस देखने में। और इस कंडीशन में आपको कभी भी ब्रश नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये जो एक्सपोज जो जगह होता है वहाँ से खून निकल सकता है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको है तो ज़रूर आप आपके जो नियरेस्ट आप कोई डेंटिस्ट हो या फिर कोई भी डॉक्टर हो उनसे ज़रूर सलाह लीजिए, क्योंकि ये कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। वैसे इस पेशेंट का ओरल हाइजीन भी ठीक नहीं है, तो सब मिला के ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें। तो दोस्तों, अब जो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो जो पहली बात आपको याद रखने की ज़रूरत है कि आपको मेडिकेशन चाहिए। आप कोई भी डेंटल सर्जन या फिर कोई भी डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं जिंजिवाइटिस को लेके, कोई भी डॉक्टर आपको ये ट्रीट कर सकता है। जो पहली बात आपको याद देने की बात है वो है कि कभी भी इस कंडीशन पे आप ब्रश मत कीजिए। अगर आप ज़्यादा ब्रश करते हैं, फिर ब्रश यूज़ करते हैं, तो आपका जो ये जो मसूड़े हैं वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगे और ब्लीडिंग के चांसेस बहुत रहेंगे। जनरली ब्लीडिंग एक बहुत ही आम चीज़ है। साथ में जब भी आप कुछ खाते हैं तो मुंह में जलन सा होगा, तो इसके लिए आप कोई भी एक एंटीसेप्टिक विद जो एनेस्थीसिया जो आते हैं ऐसा कुछ आप दवाई आप ले सकते हैं, जिससे आपको खाने के टाइम पे आराम मिल जाए। ध्यान देने की बात यह है कि अगर इस सूजन के लिए जो मुंह में जो जलन से महसूस होते हैं, तो अक्सर देखा गया है कि लोग खाना छोड़ देते हैं यानी अच्छी तरह से नहीं खाते हैं। इससे केस और डिटेरिट होता है, क्योंकि इसके बाद जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो बॉडी में बहुत नेसेसरी होता है, न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी होता है रिकवरी के लिए, आप कम खाने की वजह से वो जो न्यूट्रिशन चाहिए था वो नहीं मिलता है, और ये कंडीशन और भी ख़राब होता है। तो इसीलिए ज़रूरत है कि आप कोई भी कुछ एप्लीकेशन लगा लें और इसको अच्छी तरह से आप इसको ट्रीट करें। तो दूसरी जो बात है वो बात आपको याद रखना पड़ेगा कि आप सीजनल फूड को लें। कोई भी फ्रूट जिसमें विटामिन सी रिच हो वो बहुत ही बेहतरीन होता है। जनरली ये केस ज़्यादा दिखाई देते हैं ठंडे के टाइम पे, तो ऑरेंज इज़ वेरी अवेलेबल, आप इसको ले सकते हैं। आमला आप ले सकते हैं, तो इसे विटामिन सी के लिए आप आमला भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही मीन्स इजीली अवेलेबल चीज़ है, तो ये आपको लेना बहुत ज़रूरी है। तो और एक चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपके पेट में अगर वॉर्म इन्फेस्टेशन है तो आप ज़रूर इसके बारे में ध्यान देना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आपके डॉक्टर जो आपको ट्रीट कर रहे थे वो भूल गए हो, ओवरलुक कर गए हो वॉर्म के बारे में। तो एक
कम से कम एक डोज आप डिवॉर्मिंग खुद को करा ही लें, क्योंकि ये भी एक हिडन कॉज होता है। उसके अलावा जो बात है वो है आपका सीजनल जो वेजिटेबल्स है वो आपके डाइट में ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों बेसिकली इतना ही है, आप ध्यान रखिए कि आप ब्रश ना करें जब तक सूजन कम ना हो जाए। उसके बाद अगर सूजन कम हो जाए तो हार्ड ब्रश को मत यूज़ कीजिए, सॉफ्ट ब्रिसल वाला जो ब्रश आता है मार्केट में आप वो खरीद सकते हैं। और उसके बाद आपको चाहिए कि आप इनफ आप फ्लूइड लें और आपके मसलों में कोई भी गंदा चीज़ लगा ना रहे। आप कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं, बेसिकली ठंडा और चीज़ थोड़ा खाने से अच्छा है, गरम गरम चीज़ होने से वहाँ पर ब्लीडिंग का चांसेस भी रहते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के जिंजिवाइटिस को लेके इतना ही, बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाई हैं, जैसे आप खदरादि बटी आप ले लीजिए, आप बयोसादी बटी ले सकते हैं, आप G32 माउथ पेंट भी ले सकते हैं, आप ग्लाइकोसेप्टल ले सकते हैं, सेप्लीन भी बहुत अच्छा काम करता है, शिवा हर्बल ड्रॉप्स काम करता है, 777 ऑयल इसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो कुल मिला के एक बहुत ही बढ़िया पैक है। अगर आप हर्बल दवाई की तरफ जाते हैं या फिर आप कोई भी एक एलोपैथिक साइड पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ भी बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रीटमेंट इसका है। तो कुल मिला के जो बात है, आपको एक मल्टीविटामिन आपको चाहिए, क्योंकि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डिफिशियंसी इसमें रहता है। एक एंटीबायोटिक भी आपको चाहिए सूजन को कम करने के लिए, साथ में विटामिन सी भी डाइट आपको जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों बस इतना ही आज जिंजिवाइटिस को लेके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखने के लिए धन्यवाद।